तो मेरे पास है फायरबोल्ट के सभी यहाँ पर लग्जरी कैटेगरी वाले स्मार्ट वॉचेस। और वैसे तो यहाँ पर आप जो है फायरबोल्ट की वेबसाइट में जाकर जो है लक्स कैटेगरी में जाते हो तो यहाँ पर आपको जो है 4-5 स्मार्ट वॉच दिखेंगे, जैसे कि फायरबोल्ट लेक्सी, इनविजिबल प्लस, क्वांटम, ब्लिजर्ड, किंग भी इन्होंने यहाँ पर जो है मेंशन किया इसमें, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। वैसे तो ये जो है कोई लग्जरी स्मार्ट वॉच नहीं है, जो पुराना फायरबोल्ट हल्क था ना उसमें इन्होंने जो यहाँ पर मेडल स्ट्रैप लगा दिया है। और यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जो है विजनरी अल्ट्रा भी जो है लिस्ट किया हुआ है, जो कि अभी लॉन्च नहीं हुआ है, बट जैसे ही लॉन्च होगा आपको जो है चैनल पर इसका डिटेल रिव्यू मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जितने भी लोग देख रहे हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हमारे पास जो स्मार्ट वॉचेस है वो यहाँ पर फायरबोल्ट क्वांटम, फायरबोल्ट ब्लिजर्ड, और आज के वीडियो के लिए जो मैंने यहाँ पर फायरबोल्ट कोलाइट को भी जो सेलेक्ट किया है। वैसे ये स्मार्ट वॉच यहाँ पर जो है कोई मेटल स्ट्रैप वगैरह के साथ नहीं आता और इसमें प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन फिर भी इसे मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि ये जो स्मार्ट वॉच है यहाँ पर दिखने में जो 7 फ्राइडे वॉचेस की तरह दिखता है, जो कि काफ़ी लग्जरी कैटेगरी के स्मार्ट वॉच और 1 लाख रुपये तक रहता है उनका प्राइस। तो इतने लग्जरी स्मार्ट वॉच की तरह दिखता है तो डेफिनेटली इसे सेलेक्ट करना तो बनता है। और बाकी हमारे पास यहाँ पर फायरबोल्ट लेक्सी और फायरबोल्ट इनविजिबल प्लस, इन 5 स्मार्ट वॉच के बारे में जो एक एक करके बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये स्मार्ट वॉचेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है फायरबोल्ट क्वांटम स्मार्ट वॉच के बारे में बात कर लेते हैं। और ये जो वॉच है ना दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखता है और हाथ पर पहनने के बाद भी जो है काफ़ी प्रीमियम सा लगता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको जो इस पर पूरा का पूरा जो है मेटल बॉडी देखने को मिल जाएगा, इवन पीछे की तरफ भी जो इन्होंने यहाँ पर मेटल ही यूज़ किया इसमें। और वॉच के साथ आपको यहाँ पर जो स्टेनलेस स्टील के स्ट्रैप मिलते हैं जिनका भी क्वालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और अमेजोन पर आप देखोगे तो इसका जो प्राइस है यहाँ पर 3,500 रुपये है अभी फिलहाल तो। और ये जो यहाँ पर 4 डिफरेंट कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, कलर ऑप्शन मतलब यहाँ पर जिसका डायल और स्ट्रैप तो आपको सिल्वर कलर का ही मिलता है, लेकिन डिस्प्ले के ऊपर जो छोटा सा डायल है ना उसका कलर यहाँ पर जो है चेंज होता है। तो ये वाला जो वॉच है ना आपका पर ब्लैक कलर में मिल जाएगा, ब्लैक, रेड, ब्लू और ग्रीन कलर में मिल जाएगा आपको। और इसमें आपका पर जो एक दो फीचर थोड़े से हटके मिलते हैं, बाकी तो बेसिक से ही फीचर से पूरे। लेकिन उससे पहले डिस्प्ले के बारे में बता देता हूँ, तो डिस्प्ले पर बेजल्स आपको जो उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। और ये जो है ना यहाँ पर एक 1.28 इंच का जो एक HD डिस्प्ले है जिसमें 240x240 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलता है। और डिस्प्ले इसका ठीक है, कलर्स वगैरह आपको यहाँ पर अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। वॉच का UI वगैरह भी जो है काफ़ी स्मूदी और टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है। और आउटडोर वगैरह में भी जो है मैंने वॉच को यूज़ करके देखा था तो आउटडोर में भी यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत विजिबल हो जाता है डिस्प्ले। और इस वॉच में यहाँ पर जो है 10 स्पोर्ट्स मोड है सिर्फ, जो कि ठीक है मेरे हिसाब से क्योंकि आजकल के स्मार्ट वॉचेस में क्या है यहाँ पर 100, 200, 300 या इवन 500 स्पोर्ट्स मोड तक भी मिल जाते हैं, बट उसमें से एक्चुअल यूज़ करने के तो यहाँ पर जो है 4 से 5 स्पोर्ट्स मोड ही रहते हैं। तो इसमें आपको 10 ही स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, जो भी आप रेगुलरली यूज़ करते हो वो स्पोर्ट्स मोड सभी है इसमें। और ये वाला जो स्मार्ट वॉच है यहाँ पर IP67 वाटर रेजिस्टेंट है। एंड बाकी तो वही बेसिक से फीचर्स है जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटर, SPO2, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, और ये सभी जो है सेंसर इसके डिसेंट वर्क करते हैं, ज़्यादा आप रिलाई नहीं कर सकते इस पर। और इसमें आपका पर जो कॉलिंग का फीचर भी मिलता है। और आज के टाइम पे तो ऐसा हो गया है कि जो भी स्मार्ट वॉच ब्रांड लॉन्च करता है और उसमें कॉलिंग का फीचर तो होता ही होता है। और भी कुछ बेसिक से फीचर्स मिलते हैं जो कि उतने यूजफुल नहीं है, लेकिन एक फीचर आपको यहाँ पर जो काफ़ी हटके मिलता है जो यहाँ पर TWS कनेक्ट वाला। तो इस वॉच में यहाँ पर जो है 128 MB का जो स्टोरेज है जिसमें यहाँ पर आप जो सॉन्ग्स वगैरह स्टोर करके रख सकते हो। और जो स्मार्ट वॉच है ना उससे यहाँ पर अपने ईयरबड्स वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हो और जो स्टोर किए हुए सॉन्ग्स है वो सुन सकते हो बिना मोबाइल के। तो ये एक फीचर जो है थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। और वॉच में यहाँ पर जो सभी टाइप के नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगे आपको। और बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो डिसेंट सा बैटरी लाइफ देखने को मिलता है, कॉलिंग वगैरह ज़्यादा यूज़ करोगे तो 1 से 2 दिन तक का जो है बैटरी लाइफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे। तो ओवरऑल अगर हम जो इस वॉच के बारे में बात करें तो वॉच तो जो मुझे ठीक ही लगा। देखो क्या होता है ना यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं जो कि अपने एनालॉग वॉच यहाँ पर जो है 10 से 20 हज़ार रुपये तक बेचते हैं। मैं समझता हूँ कि वो अलग है, उनका ब्रांड वैल्यू उतना होता है इसलिए उनके प्राइस भी जो उतने होते हैं, बट यहाँ पर आपको जो एनालॉग वॉच की तरह जो डिज़ाइन मिलता है और स्मार्ट वॉच के फीचर्स भी मिल जाते हैं 3,500 रुपये में। और इसका जो प्राइस है ना वो भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप जो इस तरह का जो है स्टील का स्ट्रैप परचेस करने जाओगे ना अलग से स्मार्ट वॉच के लिए तो वही यहाँ पर जो 1,000 रुपये तक आता है, तो इसका प्राइस भी जो है काफ़ी सही है। और मैं इस वीडियो में जो है ना यहाँ पर मेन जो स्मार्ट वॉच के फीचर्स है ना उसी को कवर कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी स्मार्ट वॉच के बारे में जो है डिटेल में जानना है ना तो सभी स्मार्ट वॉच का जो है डिटेल रिव्यू चैनल पर अपलोड कर दिया ऑलरेडी, और उन वीडियोज़ का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर जो है उन वीडियोज़ को देख सकते हो। बाकी हम जो हमारे नेक्स्ट स्मार्ट वॉच के बारे में बात करते हैं जो यहाँ पर फायरबोल्ट ब्लिजर्ड। ये जो स्मार्ट वॉच है ना दिखने में जो है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा दिखता है और हाथ पर पहनने के बाद भी जो है काफ़ी प्रीमियम सा लुक आता है। एंड इस वॉच में भी आपको यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो स्टेनलेस स्टील का बॉडी मिलता है और स्ट्रैप भी आपको यहाँ पर जो स्टील का ही दिया है इसमें भी। और इसमें जो यहाँ पर साइड में 3 बटन्स दिए गए जिसमें से एक आपको यहाँ पर जो रोटेटिंग बटन मिलता है जिससे यहाँ पर आप जो वॉच फेस वगैरह चेंज कर सकते हो रोटेट करके बटन को। और ये वाला जो स्मार्ट वॉच है ना यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर करंटली जो 3,500 रुपये मिल रहा है। और ये जो यहाँ पर 3 डिफरेंट कलर ऑप्शन में आता है, इसमें आपका पर जो है ब्लैक, सिल्वर और गोल्ड कलर देखने को मिल जाता है। स्पेशली इसका जो गोल्ड कलर वाला वेरिएंट है ना वो दिखने में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है, तो अगर आपको लेना है ना तो मैं पर्सनली गोल्ड कलर वाला सजेस्ट करूंगा। बाकी अपने हिसाब से आप देख सकते हो आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। एंड नेक्स्ट अगर हम जो इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें भी आपको यहाँ पर जो है बेजल्स उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। और ये जो है ना यहाँ पर एक 1.28 इंच का जो एक TFT डिस्प्ले है जिसमें आपको यहाँ पर जो है 240x240 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलता है। और डिस्प्ले जो है मुझे इसका ठीक ठाक लगा, डिसेंट बोल सकते हैं, बट वॉच का UI और टच रिस्पॉन्स जो है काफ़ी सही है।
और मैंने वॉच को यहाँ पर जो आउटडोर में भी यूज़ करके देखा था, डायरेक्ट सनलाइट में उतना क्लियरली विजिबल नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा शेड लगे यूज़ करोगे तो ठीक ठाक से विजिबल रहता है डिस्प्ले। और देखिए तो इसमें आपको यहाँ पर जो है 120 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर, SPO2, ब्लड प्रेशर मॉनिटर का भी ऑप्शन दिया गया है, और ये सभी चीज़ें जो यहाँ पर काफ़ी डिसेंटली परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बजट स्मार्ट वॉचेस में जो है सेंसर्स उतने एक्यूरेट नहीं रहते हैं। तो इस वॉच में यहाँ पर कोई हटके फीचर्स नहीं है, बाकी वही बेसिक से फीचर्स है पूरे, जैसे कि स्लीप मॉनिटर, वेदर अपडेट, कैमरा और म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं वॉच से, अलार्म वगैरह। तो ये वाला जो स्मार्ट वॉच है यहाँ पर दिखने में काफ़ी तगड़ा दिखता है, और जो भी स्मार्ट वॉच में जो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो सभी है इसमें। बट एक ही कमी लगा मुझे, अगर इसमें जो एमोलेड डिस्प्ले दे देते ना तो काफ़ी बढ़िया रहता, क्योंकि ऐसे वॉचेस में क्या है पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रहता है ना तो काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। और वॉच को थोड़ा हैवी यूज़ करते हो तो 1 से 2 दिन तक का जो है बैटरी लाइफ मिल जाएगा आपको इसमें। तो चलिए इसका तो हो गया है, नेक्स्ट वॉच के बारे में बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर फायरबोल्ट कोलाइड। ये वाला जो स्मार्ट वॉच है ना यहाँ पर 7 फ्राइडे वॉचेस की तरह दिखता है। 7 फ्राइडे वॉचेस के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हो गूगल पर जाके। 7 फ्राइडे के जो यहाँ पर एनालॉग वॉचेस मिलते हैं, और ये जो है ना काफ़ी लग्जरी वॉचेस है, इनका प्राइस यहाँ पर 1-1 लाख रुपये तक है। तो फायरबोल्ट कोलाइड स्मार्ट वॉच जो है इन्हीं वॉचेस की तरह दिखता है, और दिखने में जो है काफ़ी सही दिखता है ये वॉच भी। बाकी मैंने स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर जो इस वॉच के बारे में बताते यहाँ पर जो है प्लास्टिक का बॉडी है इसमें ऐसा बोल दिया था। तो हाँ, इसमें प्लास्टिक का बॉडी है, बट यहाँ पर डिस्प्ले के साइड में जो एक छोटा सा फ्रेम है ना वो आपको यहाँ पर जो है मेटल का मिलता है इसमें। और बाकी इसमें जो स्ट्रैप दिया है ना उसका भी जो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, और इस पर आपको यहाँ पर जो थोड़ा सा टेक्सचर मिलता है, तो ये जो इसके लुक को थोड़ा सा इनहांस करता है। बाकी साइड में इसमें भी आपको यहाँ पर जो है एक ही बटन मिलता है, और ये जो बटन है ना यहाँ पर एक रोटेटिंग बटन है, तो इसे रोटेट करके यहाँ पर आप जो है वॉच फेस वगैरह चेंज कर सकते हो, या फिर मेन्यू में भी जो स्क्रॉल कर सकते हो। एंड इस वॉच के बारे में जो आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, इसमें आपको यहाँ पर जो है डायल तो स्क्वायर शेप का मिलता है, लेकिन डिस्प्ले आपको यहाँ पर जो है राउंड मिलता है इसमें। तो ये जो है ना यहाँ पर थोड़े लोगों को पसंद आ सकता है, और थोड़े लोगों को जो नहीं भी पसंद आ सकता है, लेकिन इसमें जो डिस्प्ले का क्वालिटी है ना वो काफ़ी बढ़िया है। इसमें आपको यहाँ पर जो है 1.32 इंच का जो एक HD रेटिना लेवल डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पर जो है 360x360 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिल जाएगा, और डिस्प्ले पर आपको यहाँ पर जो कलर्स वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा डार्क और काफ़ी ब्राइट देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि एमोलेड डिस्प्ले है, बट ऑब्वियसली एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। और वॉच का UI भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी स्मूथली वर्क करता है वॉच। बाकी मैंने इसे जो आउटडोर में भी यूज़ करके देखा था, आउटडोर में जो है काफ़ी अच्छे से विजिबल रहता है इसका डिस्प्ले, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर जो है 500 nits का ब्राइटनेस मिलता है। और देखें तो इसमें आपको यहाँ पर जो है 70 स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, हार्ट रेट मॉनिटर, SPO2 और ब्लड प्रेशर मॉनिटर का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको इसमें, और ये सब चीज़ें जो है काफ़ी बढ़िया से वर्क करते हैं। मैंने जो इसका स्पोर्ट्स मोड भी टेस्ट किया था, और हार्ट रेट मॉनिटर, SPO2 वगैरह भी जो ऑक्सीमीटर से कंपेयर करके देखा था, और रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छे थे। बट फिर भी स्मार्ट वॉच में जो भी हार्ट रेट, SPO2 मॉनिटर वगैरह होता है ना, बस आपके एक आइडिया के लिए होता है वो। एंड इसमें भी आपको यहाँ पर जो कॉलिंग का फीचर मिल जाता है, और स्मार्ट वॉच में जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो सब है इसमें भी। और ये वाला जो स्मार्ट वॉच है ना यहाँ पर IP68 वाटर रेजिस्टेंट है, और इसका बैटरी लाइफ भी जो है काफ़ी अच्छा है। आज के वीडियो में जितने भी स्मार्ट वॉच बताने वाला हूँ उनमें सबसे ज़्यादा बैटरी लाइफ आपको इसी वॉच में देखने को मिलता है। मतलब वॉच को आप जो है काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल यूज़ करते हो ना तो 6 से 7 दिन तक का जो आपको यहाँ पर बैटरी लाइफ मिल जाएगा इसमें। एंड वॉच को थोड़ा हैवी भी यूज़ करते हो और कॉलिंग वाला फीचर ज़्यादा भी यूज़ करते हो तो 3 से 4 दिन तक का तो बैटरी लाइफ आपको मिल जाएगा इसमें। और इसके प्राइस के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो ये जो अमेज़न पर करंटली जो है 3,999 रुपये मिल रहा है, और इसमें आपको यहाँ पर जो है थोड़े बहुत डिफरेंट कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जैसे कि ये ब्राउन वाला आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सा लग रहा है, एंड ये जो ग्रे और ब्लैक वाला है ना वो भी काफ़ी सही लग रहा है। तो देख लेना ये वाला जो स्मार्ट वॉच है यहाँ पर 5 डिफरेंट कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। तो अभी बताए हुए तीनों वॉचेस में आपको यहाँ पर जो एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता, बट अभी जो मैं आपको 2 स्मार्ट वॉच बताने वाला हूँ उनमें आपको यहाँ पर जो एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और प्रीमियम लुक्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्मार्ट वॉच आ जाता है वो यहाँ पर फायरबोल्ट लेक्सी। ये वॉच भी जो है दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सा दिखता है, यहाँ पर भी आपको यहाँ पर जो है पूरा मेटल बॉडी मिलता है और स्टील के स्ट्रैप मिलते हैं, तो दिखने में तो डेफिनेटली वॉच काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखता है। और इसमें ना आपको यहाँ पर साइड में जो 2 बटन मिल जाते हैं, जिसमें से एक आपको यहाँ पर जो है रोटेटिंग बटन मिलता है। एंड डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इस वॉच में आपको यहाँ पर जो है 1.43 इंच का जो एक एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर जो है 466x466 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलता है। एमोलेड डिस्प्ले इसलिए आपको यहाँ पर जो है डिस्प्ले पर कलर्स वगैरह जो है काफ़ी डार्क और काफ़ी ब्राइट देखने को मिलते हैं। और वॉच का UI भी जो है काफ़ी अच्छा है, कंपनी ने तो यहाँ पर मेंशन किया है कि इसमें आपको यहाँ पर जो है 60Hz का डिस्प्ले मिलता है। तो वॉच को जो मैंने काफ़ी देर तक यूज़ किया था, तो वॉच का जो UI है ना सही में काफ़ी स्मूथ है, बट मुझे पर्सनली यहाँ पर जो है 60Hz इतना स्मूथ तो नहीं लगा। एंड इसमें एमोलेड डिस्प्ले तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है इसमें, बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है। आउटडोर में तो ऐसा लगता है कि डिस्प्ले जो ऑफ है, कैमरा में तो जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो वॉच फेस है ना वो दिख भी नहीं रहा था बराबर से। और इस वॉच में आपको यहाँ पर जो 100 से भी ज़्यादा जो स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, और ये वाला जो स्मार्ट वॉच है यहाँ पर IP68 वाटर रेजिस्टेंट है। और देखें तो वही बेसिक से फीचर्स मिलते हैं आपको इसमें, जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटर, SPO2, स्ट्रेस मॉनिटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, और इवन कॉलिंग का फीचर भी आपको जो इसमें दिया गया है, तो कॉलिंग पर्पस वगैरह के लिए भी आप यहाँ पर जो है वॉच को यूज़ कर पाओगे। एंड कुछ हटके फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको यहाँ पर जो है वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, तो दूसरे कंट्रीज़ का टाइम यहाँ पर आप देख सकते हो वॉच में। एंड यहाँ पर आपको जो है एक स्टॉक का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसके लिए इसके ऐप में जाके आपको यहाँ पर जो स्टॉक के लिए लॉगिन करना पड़ता है बेसिकली।
एंड अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो फ्लिपकार्ट पे ये वाला जो स्मार्ट वॉच है ना करंटली 4999 रुपये मिल रहा है। और इसमें भी आपको यहाँ पर जो है डिफरेंट कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। मेटल स्ट्रैप के साथ आपको यहाँ पर जो है सिल्वर और ब्लैक कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड इसमें आपको यहाँ पर जो है सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ भी जो है वॉच आता है जो कि आपको यहाँ पर मेटल वाले एडिशन से जो है थोड़ा सा सस्ते में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको जो एक लेदर स्ट्रैप वाला भी ऑप्शन मिलता है तो उसके साथ भी आप जा सकते हो। तो चलिए आज के लास्ट स्मार्ट वॉच के बारे में जो है बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर फायरबोल्ट इनविजिबल प्लस। ये जो वॉच है ना मुझे सबसे ज़्यादा जो है बढ़िया लगा इन वॉचेस में से। तो बाकी सभी वॉचेस की तरह इसमें भी आपको यहाँ पर जो है पूरा मेटल बॉडी मिलता है और स्ट्रैप भी आपको यहाँ पर जो है मेटल के ही दिया है इसमें। एंड साइड में जो यहाँ पर तीन डिफरेंट बटन्स दिए गए जिसमें से आपको एक जो है रोटेटिंग बटन मिलता है। एंड ये जो वॉच है दिखने में भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। और अगर हम यहाँ पर जो है डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इस वॉच में आपको यहाँ पर जो है 1.43 इंच का जो एक एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जिसमें आपको यहाँ पर जो है 416x460 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलता है। एमोलेड डिस्प्ले तो आपको यहाँ पर ऑब्वियसली कलर्स वगैरह तो जो है काफ़ी डार्क और काफ़ी ब्राइट देखने को मिलते हैं। और इस वॉच में भी आपको यहाँ पर जो है 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। एंड वॉच यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथली वर्क करता है। और मैंने इसे यहाँ पर जो आउटडोर वगैरह में भी यूज़ करके देखा था तो ब्राइटनेस भी इसका जो है काफ़ी सही है क्योंकि इसमें भी आपको यहाँ पर जो है 600 निट्स का जो है ब्राइटनेस मिलता है। बट इसमें आपको यहाँ पर जो है डिस्प्ले से रिलेटेड और भी कुछ फीचर्स मिलते हैं जैसे कि इसमें आप यहाँ पर जो है किसी भी वॉच फेस को जो है कंटिन्यूसली ऑन रख सकते हो। अगर आप पर्सनल खुद का फोटोज भी लगा लेते हो ना इसमें वॉच फेस की तरह तो उस वॉच फेस को भी यहाँ पर आप जो है कंटिन्यूसली ऑन रख सकते हो उसमें। बट इससे जो है वॉच का जो बैटरी ना थोड़ा ज़्यादा जल्दी ड्रेन होगा। और इस वॉच में आपको यहाँ पर जो एमोलेड डिस्प्ले दिया गया तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिल जाता है आपको इसमें। एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वॉच फेसेस के भी आपको यहाँ पर जो है 6 से 7 इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं डिफरेंट। बट इसका भी यहाँ पर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ब्राइटनेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है, आउटडोर में जो है काफ़ी कम विजिबल होता है। और वॉच में इनबिल्ट ही आपको यहाँ पर जो 100 से भी ज़्यादा जो है वॉच फेस मिल जाते हैं तो बार बार जो इसका ऐप यूज़ करने का भी ज़रूरत नहीं है वॉच फेस चेंज करने के लिए। और स्पोर्ट्स मोड भी काफ़ी सारे मिलते हैं आपको इसमें, 300 से भी ज़्यादा जो स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं। और ये वाला जो स्मार्ट वॉच है यहाँ पर IP67 वाटर रेजिस्टेंट है तो वाटर रेजिस्टेंट के रेटिंग में जो थोड़ा सा कमी आपको देखने को मिलता है इसमें। बाकी वही नॉर्मल से फीचर्स है जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटर, SPO2, ब्लड प्रेशर मॉनिटर एंड इवन कॉलिंग का फीचर भी आपको इसमें दिया गया है तो कॉलिंग पर्पज़ के लिए भी यहाँ पर आप जो है वॉच को यूज़ कर सकते हो। एंड इसमें भी आपको यहाँ पर जो है TWS कनेक्ट वाला फीचर मिलता है। इसमें आपको यहाँ पर जो है 4GB का स्टोरेज दिया गया है जिसमें यहाँ पर आप जो है सॉन्ग्स वगैरह को स्टोर करके रख सकते हो और बाद में अपने ईयरबड्स कनेक्ट करके उस सॉन्ग्स को डायरेक्टली यहाँ पर जो है वॉच से सुन सकते हो अपने मोबाइल के बिना। इतना ही नहीं और भी काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं जैसे कि कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया गया है, 5 गेम्स मिल जाते हैं आपको इसमें। और काफ़ी सारे वॉचेस में क्या होता है ना यहाँ पर टाइम अगर वॉच में गलत हो जाता है ना तो बार बार जो इसके ऐप से कनेक्ट करना पड़ता है टाइम सही करने के लिए। बट इसमें आपको यहाँ पर जो है टाइम एंड डेट सही करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर वॉच में ही मिल जाता है और सभी टाइप के नोटिफिकेशन वगैरह आपको इसमें मिल जाएंगे। और इस वॉच में यहाँ पर जो है 380mAh की बैटरी का यूज़ किया गया है और इसमें भी आपको यहाँ पर बैटरी लाइफ तो जो है डिसेंट ही देखने को मिलता है। अगर आप जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखोगे, कॉलिंग वाला फीचर ज़्यादा यूज़ करोगे तो 1 से 2 दिन तक का जो है बैटरी लाइफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे। और मैंने यहाँ पर जो अभी अमेजन चेक किया था तो अमेजन पर जो है मेटल स्ट्रैप वाला जो एडिशन है ना वो अवेलेबल नहीं है, ना ही ब्लैक वाला अवेलेबल है ना ही सिल्वर वाला अवेलेबल है। बट इसका जो सिलिकॉन वाला एडिशन है ना वो अवेलेबल है। आपको यहाँ पर जो है सिलिकॉन में डिफरेंट कलर ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें जो कि आपको यहाँ पर अमेजन पर जो है 4499 रुपये मिल जाएगा। एंड आज की वीडियो में जितने भी स्मार्ट वॉच बताए हैं ना उन सभी का लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। एंड ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर वॉचेस के बारे में बात करें ना तो अगर आपको जो है एक स्मार्ट वॉच है जिसमें आपको यहाँ पर जो है एक्यूरेसी थोड़ा सा बेटर मिले तो मैं आपको जो है इनमें से एक भी स्मार्ट वॉच जो है सजेस्ट नहीं करूँगा। हालांकि इनमें से थोड़े स्मार्ट वॉच का जो एक्यूरेसी है ना काफ़ी सही है। बट अगर आपका बजट जो है थोड़ा सा कम है और आपको यहाँ पर जो एक बढ़िया सा दिखने वाला स्मार्ट वॉच चाहिए, साथ साथ आपको यहाँ पर जो TWS कनेक्ट वाला फीचर चाहिए तो यहाँ पर आप जो है फायरबोल्ट क्वांटम के साथ जा सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर जो है सिर्फ लुक्स के लिए एक स्मार्ट वॉच चाहिए, फीचर्स वगैरह उतना आपको फर्क नहीं पड़ता है ना ही डिस्प्ले से फर्क पड़ता है तो आप यहाँ पर जो है फायरबोल्ट ब्लिजर्ड ले सकते हो बिना किसी संकोच के। एंड अगर आपको एक अच्छा दिखने वाला स्मार्ट वॉच चाहिए, एमोलेड डिस्प्ले और फीचर्स भी जो है भर भर के चाहिए तो यहाँ पर आप जो है फायरबोल्ट इनविजिबल प्लस के साथ जा सकते हो। तो बस यही था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप कि आपको जो है आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जो है आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी जो है जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।